पूजा रुको, क्या है? कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं सहेली के घर। खाली दिन भर घूमते रहना है इधर उधर सहेली के यहाँ, कुछ करना धरना नहीं है? क्या करे आप ही बताइए, क्या करे? पढ़ लिख के कुछ तो करने के लिए सोचेगी ना? ये तो सोच तो रहे हैं, हम तो अच्छा सा पेंटिंग कर लेते हैं। और क्या क्या करती हो? बस और कुछ नहीं, पेंटिंग में ही कुछ अच्छा करो तो कुछ पता रहेगा तब तो। आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं, अपने तो कुछ करते नहीं है। और वो हस्तकला का एक धर्मवीर जी आए हैं, बता रहे थे सब लोगों को कि इसके करने से ये होगा, ये तमाम चीजें। आप मेरे बारे में तो सोच रहे हैं, अपने बारे में तो एक बार भी नहीं सोचते हैं। हम तो कमाते ही हैं। कहाँ कमाते हैं? घर पे भी सहयोग करते हैं पिताजी का कमाने के बाद। कुछ नहीं करते हैं, पापा को बेवकूफ बनाते हैं। खाली ऐसे ही बात बनाना सीख ली हो और कुछ नहीं, लड़ने के लिए वो सीख गई है। धर्मवीर कुमार शर्मा आए हुए हैं वैशाली से। अच्छा, धर्मवीर कुमार शर्मा? तब वो कौन सा सर? वो हस्तकला के सिखाते हैं, उसमें जो जो चीज तुम पेंटिंग करती हो। हस्तकला? हस्तकला? हस्तकला का वो सिखाते हैं। तब तो उसे पेंटिंग भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, और भी अलग अलग मूर्ति उर्ति वाला भी आता है, सब वो सिखा रहे हैं सबको गाँव में वहाँ। ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? ये जानकारी पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, तुमको तो पढ़ने लिखने से कोई लेना देना है नहीं, अखबार उखबार ये सब चीज। अच्छा, तो आप घूम घूम के यही सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी दिए हैं। तो ये अच्छा, हम हमेशा अच्छा जानकारी देते हैं। तो पूरी जानकारी दे देंगे? बिल्कुल, वैशाली से चल के आए हैं, उनको बड़ा बड़ा अवार्ड मिला है। अच्छा, बिल्कुल। तब तो लग रहा है कलाकार के बहुत बड़ा कलाकार है सर। बिल्कुल, तुमको इनकम भी होगा, वो सिखा देंगे तब। हाँ, तब तुमको भी अवार्ड मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, तो चलिए ना सर से मिलवाइए। चलो चलिए। धर्मवीर सर, हमारी एक छोटी बहन है पूजा जी, वो घर पे बैठे रहती है, कुछ करती उरती नहीं है, पढ़ाई उड़ाई भी कर ली है, ग्रेजुएशन भी कर ली है जी। मगर अब कुछ मतलब उसको हस्तकला के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आप तो इतना चीज जानते हैं, आपको अवार्ड अवार्ड भी मिला है एकदम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। मैं पूजा सर। जी सर, मेरे बड़े भाई हैं रामू जी। जी तो बोल रहे थे कि सर आए हुए हैं बगीचे में, तो चल के मिल लो और हस्तकला क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लो। जी बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सर, ही अच्छा किया। हस्तकला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। हस्तकला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जी, जो भी वेस्ट मटेरियल है या पेपर है या कुछ वैसी वस्तुएं हैं जी, जिससे हाथ की कलाकारी करके हम कुछ बनाते हैं जी, वो हस्तकला के अंतर्गत आता है, उसे हस्तकला कहते हैं जी। और जैसा कि आपके बड़े भाई ने बताया कि पूजा पढ़ लिख ली है लेकिन अब कुछ करती नहीं है, तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं गांव घर की और युवाएं भी हैं, युवा हैं जो अपनी इस कला को साधकर इसकी ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे हैं और रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं जी। तो क्या सर इस कला के क्षेत्र में अगर कोई कलाकार है जी, कुछ बनाना जानता है जी, तो वो बेचेगा कैसे, उसकी इनकम कैसे होंगे सर, उसके लिए कोई प्रोसेस है या कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे कि ये जो कला है, कोई भी कला जी, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपके पास कौन सी कला है जी, और किस में आप बेहतर कर सकते हैं जी। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात है ये जानना कि आप किस कला में बेहतर कर सकती हैं, इसको परखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए यदि आप कुछ करते ही हैं जी, जैसे आप स्वेटर बीन रही हैं या कोई महिला है पेंटिंग बना रही है, कोई बच्चे हैं पेंटिंग बना रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं पेंटिंग में, तो पेंटिंग का भी बहुत सारा प्रकार है जी। हस्तकला की बात है तो हस्तकला में पेपर क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है, आपका वुड क्राफ्ट है, वुड में जैसे लकड़ी से कुछ बनाते हैं कलाकृति जिसमें, और वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाते हैं बच्चे, तो बहुत सारा प्रकार है इसका। इसके लिए सबसे पहला कि आप उसमें कुछ बनाइए, कुछ बनाते हैं उससे, उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें निखार की ज़रूरत है, जब ये बनाइएगा और आसपास के लोग जो आपके होंगे सीनियर होंगे वो देखेंगे, स्कूल स्तर पर भी बहुत ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट विद्यालय हो उसमें भी, जहाँ बच्चों की ये जो कलाकृति है उसकी प्रदर्शनी समय समय पे लगाई जाती है, और वहाँ भी स्कूल हो अपने स्तर से वो कंपटीशन भी कराते हैं, तो जिसमें जो बच्चे बेहतर करते हैं वो उनको एक अच्छा लेवल प्राप्त होता है। तो ये हो गई बात आपको शुरुआत से लेके
शुरुआत करने की और आपको जानने की कि आप किस कला में बेहतर कर सकते हैं जी। तो आपको विद्यालय से ये पता चलेगा या फिर छोटे स्तर का जो प्रतियोगिताएं होती हैं छोटे स्तर की, उससे ये बात आपको जानकारी मिल जाएगी इस बात की। और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार की एक संस्था है जी। बिहार बाल भवन किलकारी, जिसमें 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे और बच्चियों को लगभग 16-17 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यदि आप इस एज के अंदर में हैं जो बच्चे या बच्चियां, तो आप वहां भी जाकर सीख सकते हैं। वहां एक्सपोजर क्लास भी होता है, जिसमें आप जाकर 10 दिन या 12 दिन का ये होता है, कुछ टाइम होता है, जिसमें आप पहले राउंड में सभी विधा में जाकर 2-4 दिन समय देकर आप अनुभव कर सकते हैं कि आपको कौन सी कला पसंद है और किस कला में आप बेहतर कर सकते हैं। उसके वहाँ प्रशिक्षक होते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि ये बच्चा ये कला बेहतर कर सकता है, इसमें ये अगर मेहनत करे तो अच्छा कर सकता है। दूसरी बात, वहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे लेवल पे, जब 16 ईयर के बाद वहाँ पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद क्या? तो उसके बाद है कि आपका सीखने की बात मैं बता रहा हूँ, तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर है एक, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं इसके अलावे भी, जहां से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, विधिवत शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जी। तो उपेंद्र महारथी जो शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर है पटना में, पाटलिपुत्र में है, तो इसका जो है इसमें भी बहुत सारी कलाएं हैं, मेटल क्राफ्ट है, मूर्ति कला है, बैम्बू आर्ट है, वुड क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है, जो आप देखती हैं चूड़ी वगैरह जो देखती हैं महिलाओं को पहनते हुए, वो वहाँ बनाए, वो सब भी बनाई जाती है। और इसके अलावा भी टिकलू पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, और भी बहुत सारी कलाएं हैं। तो वहाँ है कि 18 साल से लेकर और उससे ऊपर जो भी है, जिस एज के लोग सीखना चाहें, वो वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 18 साल होना चाहिए सर। जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं जी, जो ग्रेजुएशन या 10+2 पास कर गए हैं जी, तो वही सिर्फ एडमिशन लेंगे या अनपढ़ आदमी जो गांव की महिलाएं हैं पुरुष हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कला में रुचि है कि हम कुछ करें, वो भी प्रशिक्षण ले सकते हैं उस संस्थान में? आपने जो कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है और वो कला जानती हैं, कुछ उसमें करना चाहती, तो उसके लिए है कि उपेंद्र महारथी जो है वो वहाँ एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ वैसा बाध्यता नहीं है वैसी कोई जी। आप जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिल सकती हैं, और वहाँ 6 महीने का वहाँ कोर्स चलाया जाता है, जाकर वहाँ विधिवत शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। सर यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ भी रखा हुआ है, कुछ अवार्ड अवार्ड भी आप रखे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा सर, ये सब आपको क्या क्या किए, क्या क्या कहाँ कहाँ मिला और क्या क्या चीज़ें? जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये जो कलाकृति है ये हस्तकला का ही एक प्रकार है जी। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये वुड क्राफ्ट का कास्ट कला में ये भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है जी। जो बहुत ही एक समझिए कि कास्ट कला जब सीखते हैं जी, तो इसमें बहुत बारीकियां हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब आप सीखेंगे तो इसकी बारीकियों को जानेंगे और इसमें करेंगे आगे जी। और ये आगे अशोक स्तंभ है जी, जो प्रतीक है अपने भारत का जी। तो ये है, और ये जो अवार्ड्स देख रहे हैं आप, तो ये जिला स्तर से लेकर नेशनल स्तर का ये अवार्ड है आपके सामने, जिसमें अपना जो बिहार सरकार है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तरफ से जी, हर वर्ष जिला स्तर पे युवा उत्सव कराया जाता है जी। जिस युवा उत्सव में अब जो एज का जो हो गया है वो 15 साल से लेकर 35 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, और इसमें जो इसकी जो प्रतियोगिता होती है, चाहे वो कास्ट कला हो, पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो, या शास्त्रीय गायन हो, या कोई भी कला हो, लोकगीत हो, या अपना बिहार का लोक कला हो बिहार की,
कला से जुड़ा होना जी चाहिए। कला से जुड़ी हुई कोई भी विधा हो जी, और एक भाषण भी होता है, नाटक भी है, तो इसे इसमें से कोई भी कला यदि आपके पास है तो उस जिला स्तरीय युवा उत्सव में आप हिस्सा ले सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर वहाँ आप बेहतर करते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में से अगर प्रथम स्थान आता है आपका जी, तो आपको राज्य स्तरीय जो युवा उत्सव होगा जी, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और राज्य स्तरीय जो युवा उत्सव होता है जिसमें जिला स्तर पे बिहार के जो भी जिले हैं, 3800 जिले में जो भी प्रथम आते हैं अपनी अपनी कला में, अपनी विधा में, जिला युवा उत्सव में जी, उन सभी कलाकारों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, अपनी कला को दिखाने का मौका मिलता है। और अगर आप उस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में अपनी कला में प्रथम आते हैं तो वहां से आपको नेशनल स्तर पे राष्ट्रीय स्तर युवा महोत्सव जो होता है, जो 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे, उसमें आपको मौका मिलता है अपने अपनी कला को दिखाने का और बेहतर करने का जी। ये है तो पूजा सब कुछ समझ गई ना, कि और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो सर से। नहीं, 2-3 सवाल और है जो सर से पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, जो इतने पुरस्कार आपको मिले हैं जी, तो एक कलाकार का क्या योग्यता होना चाहिए कि जो उसको पुरस्कार मिल सके? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर है, वहाँ जो इन सभी विधाएं हैं, ये सब विधाओं की प्रतियोगिता होती है हर वर्ष। उस प्रतियोगिता में यदि आप बेहतर करते हैं जी, तो वहाँ आपको, वहाँ से भी आपको स्टेट अवार्ड मिलता है। और उस स्टेट अवार्ड में जो विनर होते हैं, फर्स्ट विनर को फिर राष्ट्रीय अवार्ड के लिए शामिल किया जाता है, और उसमें यदि आप बेहतर करते हैं तो आपको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिलता है। सर, तो इस हस्तकला में जैसे पूजा जैसी लड़कियों को इनकम कैसे हो सर, मतलब कि आय का स्रोत इसमें क्या रहता है और कैसे होगा सर? जी, ये जो कला है इसके प्रचार प्रसार की यदि बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जी, बहुत ऐसा जगह है जहां इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है जी, और उस प्रदर्शनी से आपका, आपकी जो ये कला है इसका प्रचार प्रसार होता है। उसमें बहुत ऐसे लोग आते हैं जहाँ से वो आपकी कला को खरीदते हैं, जिसकी कोई सीमित मूल्य नहीं है, जिसके लिए, जिस कला के लिए आपको, वही पेंटिंग आपका 1 करोड़ में भी बिक सकता है, वही पेंटिंग आपका 1,000 में भी बिक सकता है। तो इसके रेट के लिए कोई ये बाध्यता नहीं है, जो जैसे परखने वाले हैं उस चीज़ को, उस कला को, जैसे जो समझने वाले हैं उनके लिए वो उस मूल्य की कला होती है जी। कला की कोई ऐसे निश्चित कोई कीमत नहीं है। और रह गई रोजगार की बात, तो यदि इसमें रोजगार की बात करें, आमदनी कैसे करें, तो उपेंद्र महारथी है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपकी कला को वहाँ खरीदती है, आप जो बनाती हैं कलाकृति वो वहाँ रखती हैं और वहाँ से सेलिंग होता है जी। मैं बता दूं कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर जो है पटना का, यहाँ से जो भी कलाकार जुड़े हुए हैं वो अपनी कलाकृति बनाते हैं और वहाँ देते हैं, उनकी कलाकृति वहाँ से विदेशों तक पहुँचाई जाती है और उसका उचित मूल्य दिया जाता है, और वो जो उचित मूल्य है उसका वो कलाकार को पहुँचा दिया जाता है जी। तो ये हो गई रोजगार की बात। सर, अभी जो आप बता रहे थे कि कला के बहुत प्रकार होते हैं, उसमें एक सिख कला का आप नाम लिए थे सर, तो सर मुझे समझ में नहीं आया कि सिख कला होता क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। सिक्की आर्ट जो है, जिसको सिख कला भी बोलते हैं जी, ये हस्तकला का ही एक प्रकार है जी। जिसमें आप देखे होंगे कि गांव में एक जंगल होता है जो सिख बोलते हैं उसको, सिक्की होता है, उससे पेंटिंग बनाते हैं, उससे कुछ कलाकृति बनाते हैं, वो सिख कला है, सिख कला के अंतर्गत आता है वो। जिसमें भी आप बेहतर करके और अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कुछ कलाकृति बनाकर, उससे पेंटिंग भी बनाई जाती है, उससे बहुत सारा डलिया थैला वगैरह भी बनाया जाता है। अच्छा। जिसका विश्व स्तर पे भारी डिमांड है। सर, एक चाक्षुष कला है सर जी, वो क्या है सर, उसके बारे में मतलब नाम सुने हैं मगर उसको जरा समझाइएगा ना थोड़ा अच्छा से। चाक्षुष कला जो है, आपको चाक्षुष कला में 3 कला जो है, अपने यहाँ की जो 3 लोक कलाएँ हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तकला, ये 3 कलाओं का
उसमें मिश्रण होता है, समावेश होता है, इन तीनों कला को मिलाकर चाक्षुष कला बनाया गया है। चाक्षुष कला में ये तीनों कलाएं आती हैं। सर बहुत सारे कलाएं हैं जी, उसमें से हम कैसे पहचान रहे हैं कि ये हस्तकला है और ये नहीं है? जी हस्तकला जैसे जी। आपको स्पष्ट दिख जाएगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो वेस्ट मटेरियल है या कुछ पेपर है, लकड़ी है या मेटल है, जिससे हाथ की कलाकारी करके कुछ बनाते हैं, वो हस्तकला है। जी जी। क्या सर तो मूर्ति भी उसी में आते हैं? नहीं, पत्थर को काट के बनाते हैं? नहीं नहीं, हाँ पत्थर क्राफ्ट जो है वो अलग है, इसी हस्तकला के अंतर्गत वो आता है जी। जिसमें पत्थर से काट कर उसका छोटा छोटा टूल्स होता है, पत्थर को काटते हुए उसमें बनाते हैं कलाकृति, तो वो हस्तकला के अंतर्गत ही आता है। सर मेरा एक दोस्त है, वो मिट्टी से कुछ कुछ बनाते रहता है सर, वो किस तरह का कला हुआ? वो भी कोई क्या है, समझाइएगा ना सर, कुछ समझ में नहीं आता। वो मिट्टी से करते रहता है, बनाते रहता है कुछ कुछ? मिट्टी से जो कुछ बनाते हैं वो मूर्ति कला है, और मूर्ति कला का भी बहुत सारा प्रकार है। इसमें टेराकोटा है, आप देखते हैं कि दीवार पे कहीं जो है पेंटिंग, दीवार पे मिट्टी का ही लगता है कि आकृति जैसा कुछ बना रहे हैं, पेंटिंग टाइप का, तो वो भी मूर्ति कला ही है। तो मूर्ति कला का भी बहुत सारा प्रकार है जी। और वो जो बनाते हैं आपके जो मित्र हैं जी, वो बनाकर मिट्टी से आकृति बनाकर, कुछ बनाकर, कुछ कलाकृति बनाकर उसको आग में पकाते हैं जी। वो टेराकोटा है। ये जो टेराकोटा बता रहे हैं सर, मान लीजिए कि इसमें बनाया जी, तो इसमें आय का स्रोत कैसे हो सर? क्या क्या चीज और कहाँ कहाँ इसका ज्यादा मतलब कि लाभ हो सकता है इन लोगों को जो मेहनत करते हैं जी, इसमें बताइएगा सर। देखिए आप जो बताए, आप देखते होंगे कि दीपावली का जो समय आता है जी, उस समय जो भी घर है, सभी घरों में मिट्टी का दिया आप देखते होंगे जी, देखते हैं ना जी, मिट्टी का दीप जलाते हैं लोग खासकर, और उस समय कुल्हड़ जो होता है कुलिया जी, वो भी भरते हैं, है ना। और इसके अलावा जो आपका यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होता है उसमें मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तो इन सभी में जो है इसका यूज होता है टेराकोटा का। तो जो आपके ये मित्र हैं वो दीपावली के सीजन में दिया बना सकते हैं, कुल्हड़ बना सकते हैं, और इसके अलावे समय समय पे जो है मिट्टी का बर्तन का भी डिमांड होता है पूजा अनुष्ठान या अनुष्ठान वगैरह में, उसमें भी ये अपनी कलाकृति बनाकर आय कर सकते हैं। पंचमी में भी सर देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जी जी। तो ये जो आप मूर्ति देखते हैं, सरस्वती पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, दशहरा हो, दशहरा के अवसर पे माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है, और भी देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है जिसकी पूजा अर्चना हम सभी करते हैं जी, तो ये सभी मूर्ति कला के अंतर्गत है जी। सर जो गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं जी, जो कला जानते हैं, कुछ कुछ हाथ से बना रहे हैं जी, तो सर उसको सेलिंग करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ बेचें, उसमें बहुत सारे बीच में दलाल आ जाते हैं जी, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा है या कुछ ऐसा गवर्नमेंट सरकार कोई साधन चलाई है कि जो डायरेक्ट वो उससे जुड़ के बेच सके अपने कला को? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया जी। ये जो सवाल है इसका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहा हूँ, और ये शायद जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, उनके लिए ये लाभकारी साबित होगा। आप देखते हैं कि अभी जो है हस्तकरघा मेला लगता है सरकार की तरफ से, अभी आप देख रहे हैं कि सरस मेला पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगा हुआ था, हाल ही में लगा था, हाँ जी। तो ऐसी बहुत सारा ऐसा जो है कई मेला लगता है अपने बिहार में और देश में, जहाँ जाकर आप अपनी कलाकृति को डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं और उससे मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको हमेशा के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां से जुड़कर आप अपनी कला को बेच सकते हैं और डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। सर चलते चलते कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो और भी लोगों को फायदा करे? सबसे बड़ी बात और पहली बात होती है कि कला को पहचानना जी। अपनी कला को पहचानिए, और जब कला पहचान में आ जाए कि आप इस कला में बेहतर कर सकते हैं जी, उस कला को निखारने की कोशिश करिए, उस कला के जो बेहतर प्रशिक्षक हैं, उसके जो जानकार हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करिए, उनसे प्रशिक्षण लीजिए, और उनके निर्देशन में, उनके गाइडलाइन में मेहनत करिए, और दिन प्रतिदिन अपनी कला में निखार लाइए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी कला से प्यार करिए। सर आप गांव घर कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों
अगर हमारे गांव घर प्रोग्राम में कोई सुझाव या मैसेज देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कीजिए, गांव घर निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना 801। और हमारा ईमेल आईडी है directordd.patna@gmail.com। प्रिय दर्शकों, अब इस कार्यक्रम में यहीं तक, और चलते चलते इस लोकगीत का आनंद लीजिए। सोचता मोर बीती गई ले दिनवा, बीती गई ले दिनवा, सोचता मोर, सोचता सोचता रे मोर, सोचता सोचता हो, सोचता सोचता मोर बीती गई ले दिनवा, नीर मोही हो कबर यही है पियावा हमार, नीर मोही हो पहले लिपही अंगनवा है राम, लिपही अंगनवा नीर मोही हो, नीर मोही हो, करै थे अगागावा गोहार, नीर मोही हो, करै थे सखीरे बटिया जोहता मोर बीत दिन रतिया, नीर मोही हो, नीर मोही हो, बरसे नया नामा हमार, नीर मोही हो, बरसे नया